हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा। आज है संडे और कल से है परिका स्कूल का पहला दिन, तो कल परी स्कूल जाएगी, उसके लिए हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। वी आर रियली सुपर एक्साइटेड। मतलब विनोद तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मुझे उसकी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। एक्चुअली मौसम ऐसा है ना कि ना तो सर्दियों के कपड़े आ सकते हैं ना गर्मियों के, तो देखती हूँ क्या लेकर के आऊँ। दो तीन ड्रेसेस तो कम से कम लेके आऊँगी मैं, और साथ में उसका बैग लेके आऊँगी। शूज़ वगैरह उसके पास हैं, और क्या देखते हैं हेयर एक्सेसरीज वगैरह क्या है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ परी को लेकर के, परी के स्कूल को लेकर के, और कल परी का पहला दिन है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। और आज संडे है, तो हम आज उसकी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, और मैं अब वहीं पे जाके मिलती हूँ। बाकी लोग हैं वो जो नीचे खड़े हुए वेट कर रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ और वहीं पर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, हम गए थे लाइफस्टाइल परी का जो भी देखने के लिए, कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सारा डिस्काउंट चल रहा था अभी। फ्लैट 50 तो नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ उसी टाइप का कुछ चल रहा था। तो हमने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की है, और ये बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है अगर आपको बच्चों के कपड़े लेने हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, या अभी जैसे समर आने वाली है तो उसके लिए। तो यहाँ पर देखो, परी को ये वाला जो फ्रॉक है वो पसंद आ गया था, और परी ने लगा करके देखा, और इसका तो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, बाद में भूल गई तो हमने इसको छोड़ दिया। और मैडम लॉलीपॉप खाते हुए अपना कर रही है शॉपिंग, और परी ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं जो अपने उसने पसंद से ली है। तो देखिए, ये जो समर के लिए थे ना, वो भी काफ़ी अच्छे सारे वैरायटीज़ आई हुई थी। फ्रॉक में तो बहुत ही ज़्यादा थे, फ्रॉक में, स्कर्ट में, और वन पीस में, कुछ इस तरह के जो चीज़ें थी ना उसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आई हुई थी। और परी अपना पूरा घूम घूम के देख रही थी, और बोल रही थी जैसे हम कहीं और देख रहे थे, तो आवाज़ लगा रही थी कि मम्मा मतलब इधर आओ, ये देखो, ये वाला उसको, ये वाला लेना है, ये वाला अच्छा है, क्योंकि परी ना सारी चीज़ें बोलने लग गई है। तो बस ये बोलते मतलब ये वाला मम्मा, ये वाला लेना है, ऐसे करके। तो काफ़ी सही लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ से ली हैं, और बाकी हम लोगों ने ली थी मैक से ली है, तो वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। लेकिन ये है लाइफस्टाइल, तो अच्छा खासा डिस्काउंट अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे फाइट हो रही थी पापा बेटी की, पापा को जो पसंद आ रहा था वो परी को नहीं आ रहे थे स्लीपर्स में जो ये चप्पल होती है, और जो परी को पसंद आ रही थी वो पापा को नहीं आ रही थी, तो दोनों में अपना फाइट चल रही थी। तो विनोद जो कह रहे थे कि ये वाला ले, परी कह रही नहीं, नो, ये नहीं, ये वाला लेना है। तो देखिए, परी ने कुछ और उठाया हुआ है, पापा ने कुछ और उठाया हुआ है, और बिल्कुल पहन नहीं रही है। एक्चुअली परी को तो जो बड़े वाले चप्पल थे ना वो पसंद आ रही थी, तो ये वाला जो पीच कलर है ये तो इसको पसंद आ गया, बट जो अभी विनोद ने हैंग किया है विनोद को, और मुझे वो वाला कलर पसंद था, तो ये वाला तो परी ने पहन लिया, बट इसमें फिर साइज़ ही नहीं मिल रहा था हमें। और होम डेकोर की भी काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें थी लाइफस्टाइल में। लाइफस्टाइल में काफ़ी टाइम बाद गई हूँ, तो काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें थी यहाँ पर, और ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती है अमेज़ोन पे, और ऐसा कुछ प्राइस में डिफरेंस नहीं है कि अमेज़ोन पे महंगा है या यहाँ पे सस्ता था, सेम प्राइस में ही यहाँ पे मिल रहा था। तो अगर आपको भी स्टोर विजिट करना पसंद नहीं है तो आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं, अमेज़ोन के सारी ही चीज़ें अमेज़ोन पे हैं, काफ़ी अच्छी है। बस ये हो जाता है कि हाँ, थोड़ा यहाँ पे आपको देख के ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा आ जाता है अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं तो, अदरवाइज़ प्राइस तो बिल्कुल वही रहते हैं जो स्टोर में रहते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने देख ली, तो मुझे लगा अगर स्टोर से नहीं आऊँगी तो मैं चलो एक बार सारी चीज़ों को विजिट कर लेती हूँ, देखती हूँ कि प्राइस वगैरह कैसा है, क्वालिटी क्या है, तो सेम रहता है, कोई भी डिफरेंस मुझे इसमें नहीं लगा। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे कॉस्टली लगी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे सही लगी, बट विनोद ने अभी मुझे कुछ भी नहीं लेने दिया, वही कि अभी थोड़ा सा मतलब बजट वही है ना, बजट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो दिवाली के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोच रखी है, तो लूँगी। और ये मतलब जो इनके फ्लावर पॉट होते हैं ना, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो ग्लास वाले होते हैं, इनका जो कलर वगैरह होता है ना, ये आपके किसी भी डल एरिया को बहुत ही एकदम से ब्राइटन अप कर देता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये एलिफेंट वाला सेट तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। तो और हम बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए बंदे हैं यार, मतलब एक जगह जाकर के ऐसे थक जाते हैं ना। एक्चुअली क्या होता है, विनोद पूरे हफ्ते बाहर रहते हैं, उनका मतलब काम ये है, कभी गुड़गांव, कभी मानेसर, कभी ये चावड़ी बाजार, तो बेचारे घूमते रहते हैं, और घर आते हैं तो उनको लगता है कि संडे को बस सारा दिन घर पर ही रहें, अपना खेलें और रेस्ट करें, तो मतलब ये बनता भी ऐसे ही। लेकिन किससे बातें कर रहा है, और मतलब बनता भी है, लेकिन यार क्या करे, काम ऐसे कैसे होगा, तो मैं अकेले कैसे करूँगी ये सब। तो बस हम एक जगह गए और हम लाइफ स्टाइल में गए, वहाँ से क्या मिला, मतलब जो हम चाहते थे वो सब चीज़ें तो मिली नहीं है। मैक्स में गए, मैक्स तो मतलब एकदम वाहियात वाहियात लगा, लेकिन फिर भी दो चीज़ें वहाँ से ले ली हमने। और
और बस अभी दिखाती हूँ आप लोगों को क्या लिया है हमने, और अभी इसके बाद मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, देखती हूँ बनाऊंगी या नहीं बनाऊँ। बट यस, और स्कूल बैग एक्चुअली परी का मिल गया स्कूल की तरफ से, तो मेरे को था कि मैं उसका एक एक्स्ट्रा लूँ बैग, लेकिन अब भी आज तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी हमारे कहीं पर मार्केट वगैरह जाने की, और मैं जो शूज़ पहन गई थी वो भी मुझे काट रहे थे, तो मेरी भी हिम्मत नहीं थी घूमने की। और एक्चुअली होता क्या है ना, विनोद को बैक पेन रहता है और अभी 2-3 दिन से उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और मेरे को भी बैक पेन है, तो परी को लेकर के शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, मतलब उसको गोदी में उठा के रखना, घूमती रहती है लेकिन कितना बच्ची कितनी कितना चलेगी, वो चलती भी रहती है लेकिन उसके बाद भी मतलब थोड़ा सा रहता है यार कि मतलब उसको उठाना ही पड़ता है गोदी में, स्टेयर से ऊपर नीचे जाना होता है या कहीं इधर बाहर घूमते हैं आप, जहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं उस एरिया में तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन बाहर जब आप जाते हो तो उसको गोदी में उठाना ही पड़ता है। तो विनोद को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है 2-3 दिन से, तो बहुत 2-3 दिन से क्या यार 1 वीक हो गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बैक में, और मेरे को भी बहुत मतलब उतने नहीं है लेकिन मेरे को है प्रॉब्लम, तो मैं भी ज़्यादा देर नहीं उठा सकती हूँ गोदी में, तो इसीलिए मतलब उनका मूड ऑफ हो गया था कि वही होता है फिर चिड़चिड़ा तो बंदा हो ही जाता है यार, पेन में तो बिल्कुल हो जाता है, मैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, तो विनोद को वही था कि संडे ख़राब हो गया ये हो गया, तो मैंने फिर बोला कि चलो ठीक है। इसीलिए आप लोगों को लगता है ना कि मैं बाहर ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, बाहर सस्ता मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा महंगा ही सही, लेकिन आप इन सब चीज़ों से बचाते हो, अगर यही शॉपिंग मैं ऑनलाइन कर लेती फर्स्ट क्राई वगैरह से अगर मैं कर लेती अभी तक, पता था जब एडमिशन करवा दिया है कपड़े वगैरह चाहिए ही, तो अगर मैं फर्स्ट क्राई से कर लेती थोड़ा महंगा पड़ता ना, लेकिन पूरा मतलब ऐसे मूड तो ऑफ नहीं होता ना, वो सब चीज़ें नहीं होती, इसलिए मैं थोड़ा महंगा चाहे मिल जाए इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ मैं ऑनलाइन बैठ के ही शॉपिंग कर लूँ, कम से कम घर में बैठ के कर रही हूँ, विनोद को बाहर नहीं जाना पड़ रहा, तो ये सब चीज़ होती है। इसलिए आई नो कि महंगा मिलता है लेकिन आपका जैसे भी नोधा उनका टाइम भी सेव हो जाता है, फैमिली टाइम मिल जाता है आपको अपने लिए, शॉपिंग करने जाओ तो यार वो सैटरडे संडे तो इतनी भीड़ होती है ना कि कई कई घंटे तो आपको लाइन में ही लग जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं इसलिए मैं ऑनलाइन को प्रेफर करती हूँ। चलो आपको बता ही दी आज क्या है, तो इस वजह से होता है, और फिर एक एज के साथ एक्टिवनेस होती है वो भी होता है, फिर विनोद जैसे वीक में बाहर रहते हैं तो उनको होता है कि संडे आए और अपना टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ स्पेंड करें, अब तो सब इकट्ठे रह गए हैं तो खेलने का है उनको, तो उनको खेलने का बहुत रहता है, क्योंकि बहुत साल तक बहुत बिजी रहे थे विनोद, बिल्कुल भी नहीं खेल पाए, और उस खेलने का एक्चुअली होता है ना, विनोद हमेशा नीरव के साथ खेले हैं, तो नीरव को भी होता है कि पापा मेरे साथ खेलें, तो वो अपना संडे को सुबह शाम 2 घंटे मतलब यहाँ पे जैसे क्रिकेट खेल लिए या वॉलीबॉल खेल लिए फुटबॉल खेल लिए कोई भी है 2 घंटे वो मतलब चाहते हैं कि वो खेलें, एंड ये बिल्कुल जायज़ भी बात है, तो मैं एग्री करती हूँ। तो मैं ये लाई हूँ शॉपिंग करके अभी, बस जो मिला ले लिया, तो इसका कुछ खास नहीं था, तो बाकी मैं ऑनलाइन ही करूँगी, और कल जाएगी पर स्कूल में, ये फर्स्ट डे पर गया स्कूल का, तो बैग है वो नहीं पसंद आए हमें वहाँ पर, जो थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और मार्केट जाने का भी बिल्कुल भी चांस नहीं था, तो जब स्कूल से मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने वही सोचा कि क्यों अननेसेसरी पैसे डालने हैं, ले लूँगी फिर कभी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हुई तो, पहले कल देख लेते कैसे है स्कूल का, क्योंकि लेके तो जाना वही है, क्योंकि मैम कह रही थी कि सब बच्चे अगर एक जैसा ही लेके आएंगे तो अच्छा लगेगा, तो इसीलिए है, और बाकी बीच में कर लूँगी अगले संडे या सैटरडे बीच में किसी दिन होगा तब मैं शॉपिंग कर लूँगी, परी का एक बैग तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी, वैसे भी चाहिए यार बड़ी हो गई और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने वीडियो देखी क्लिप देखी आपने, परी ने खुद ही चूज़ की है, और एक दो तो भूल गई है जो हमने ही लेकर गए, नहीं तो एक दो ड्रेस के पीछे तो बिल्कुल ऐसी पड़ी थी, मैं अभी शायद क्लिप में भी ऐड हुआ है, कैसा कलर था वो, ग्रे कलर का जो फ्रॉक था वो, और एक ग्रीन कलर का यहाँ पे उस पर कुछ यहाँ पे सामने वो छपे हुए थे, उसको परी भूत बुला रहे थे, और यहाँ पे वो फर टाइप में था फिर दोनों स्लीव्स पे, तो उसका एक्चुअली टैग नहीं था, नहीं तो वो हम ले भी लेते, तो बस वही था। और परी मतलब पीछे पड़े थे चप्पलें, तो यार मतलब फाइनली फिर हमने छोड़ दी चप्पलों की, पापा को कुछ पसंद आ रहा है, बेटी को कुछ पसंद आ रहा है, परी कुछ उठा के ला रहे हैं, पापा कुछ उठा के ला रहे हैं, तो फाइनली फिर मैंने बोला अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, परी के पास जो है वही ठीक है, अभी नहीं चाहिए हमें, आगे गर्मी में देख लें, तुम दोनों ही छोड़ दो, पापा को जो लेनी है वो परी को नहीं लेनी, जो परी को लेनी वो पापा को पसंद नहीं आ रही, तो मैंने बोला तुम फाइनली दोनों छोड़ ही दो, और वही सोच रहे थे अभी परी बड़ी हो जाएगी तो कितने उसके मतलब नखरे हो जाएंगे, ये वाली ड्रेस पहननी है, ये नहीं पहननी है, ऐसे क्लिप लगाने हैं, और मैं फ़ोटो ऐड करूँगी, कल परी शादी में गई, मैडम ने मतलब इतने सारे उसके पास ये बैंड है चोटी वाले और क्लिप्स वगैरह हैं सारी, सब निकलवाए उसमें से खुद चूज किया, और बोला कि चोटी बना दो, हेयर बैंड नहीं लगाना उसको, चोटी लगा दो, चोटी बना दी, उसके बाद यहाँ 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 ये सब लगाने हैं, वो मतलब खुद चूज़ किया यार, वो 2 साल की है, आगे आगे तो परी मतलब
मारने वाली हमें, खुद से ही करेगी। तो चलो मैं फटाफट से अब आप लोगों को शॉपिंग दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या करके लाई हूँ। फ्रेंड्स एक ये ट्रैक पैंट है, बेसिक है, ग्रीन कलर की, 499 है, लेकिन ये हमें पड़ी है 250 रुपीज़ में, यानी 50% डिस्काउंट था इस पर। बेसिक है तो ये अच्छी लगती है इस टाइप से, ये देखिए तो ग्रीन कलर है, काफ़ी अच्छा कलर है ये इसका। तो ग्रीन कलर कैमरा में वैसा नहीं आ रहा है जैसा कि ग्रीन कलर होना चाहिए। तो ये भी 499 का है, लेकिन ये भी हमें 250 का पड़ा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे इसका डिज़ाइन और कलर, इसलिए मैं इसको ले आई। और ये गर्मियों के लिए हैं तो ये भी 250 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा था। ये स्वेटर है, ये ऑफ वाइट कलर में है, इस तरह से इसके स्लीव्स हैं और यहाँ पे पांडा है। तो ये देखिए ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और ये थी 1049 की, तो ये 524 रुपीज़ की हमें पड़ी है। तो ये काफ़ी अच्छी थी, पीछे से ये बेसिक है तो इस तरह से ये। ये हुडी है जो कि 700 रुपीज़ की थी, ये भी 50% डिस्काउंट में पड़ी 350 रुपीज़ की। और इसकी यार पॉकेट तो हाँ पॉकेट है। और ये चेन है, बस सिंपल सी है तो ये भी अच्छी लगती है। नीचे कोई लाइट कलर पहना के आप इसको पहनाते हो तो काफ़ी ये अच्छा लगता है इसका लुक। और पीछे से सेम है, बस प्लेन है और हुड है, प्लेन है, सिंपल सा है, लेकिन जो कपड़ा है वो काफ़ी इसका अच्छा है, समर में भी चल जाएगा, मतलब अभी तो चलेगा कई महीने ये। और जैसे आप जब मच्छर वगैरह होते तब पहना सकते हो, या जब बारिश होती है तब भी इसको पहन सकते हो, तो मल्टीपर्पज़ होते हैं। तो ये हमें 350 रुपीज़ का पड़ा। ये है पूरा सेट है, ये ऊपर का है अपर एंड ये है लोअर इसका, तो कुछ इस तरह से। और काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही थी और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे गर्ल सेक्शन से लिया है, लेकिन गर्ल बॉय का या पता नहीं किसका है लेकिन ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा था। और ये 899 का था जो कि हमें 450 रुपीज़ का पड़ा है, मैंने 900 का था और ये 450 रुपीज़ का आया। तो देखिए पूरा सेट आ गया है, ये भी काफ़ी अच्छी परचेज रही। और सॉक्स चाहिए थी तो ये 5 पेयर का सेट है जो कि 400 रुपीज़ का पड़ा। तो ये मुझे तो चाहिए था ये वाला, क्योंकि इसकी जो सारी सॉक्स वो थोड़ी सी हैवी हैं और छोटी हैं, तो ये 2 इयर्स तक के बच्चे की हैं। बाकी फिर जो 3 to 4 इयर्स है वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये आ जाएगा परी को, ठीक है आएगा ये वाला। तो इसमें सारे कलर हो गए हैं तो पहन के जा सकते हैं। ये 399 का 5 का, और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी थी तो इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया। तो वो सारी परचेज हमारे लाइफस्टाइल से थी। और ये लिया है हमने मैक से, तो बस ये 2 पीस लिए हैं, वो अभी दिखाते हैं दूसरा पीस भी। ये मैक से लिए हैं, ये था 699 का, लेकिन यानी 700 का ये पड़ा है, 350 का, फ्लैट 50% डिस्काउंट था। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो हुड उसके पास थे नहीं, क्योंकि मैं लास्ट ईयर के जो थे ना वही पहना रही थी अभी उसको, अभी उसकी रिक्वायरमेंट थी उसमें से, तो मैंने एक दो तो दे भी दिया है क्योंकि छोटे हो गए थे, तो रिक्वायरमेंट भी थी। और फिर ठीक है ये मिल रहा है 350 में तो सही है, ये अच्छा है कि मतलब पूरा का पूरा आपको इस तरह से स्ट्राइप में मिल रहा है। और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं बच्चों पे, बड़ों पे, सब पे, ये इस तरह से जो होता है ना ये स्ट्राइप ये वाला पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये 350 रुपीज़ का गुड डील। तो एक ये है ब्लू कलर का जिसमें कि ये स्टार्स बने हुए हैं, तो मुझे लगता है हर लड़की के पास ऐसा ना ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं परी के, मतलब लड़कियों के ऐसे स्टार वाले, तो अभी तक परी का मैंने परचेज नहीं किया था और ये बहुत ही प्यारा सा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ब्लू कलर पे। और ये देखिए कितने कलरफुल स्टार्स हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं ये। और यहाँ पर फैदर हैं और वॉर्म हैं ये, काफ़ी ऐसा नहीं है, काफ़ी वॉर्म है क्वालिटी इनकी, ये मतलब अच्छी लगी क्वालिटी, देखिए वॉर्म है ये, तो वो वाला वो नहीं है इस तरह से, लेकिन ये है। और ये था 749 का था, तो इस पर भी 50% डिस्काउंट है। पॉकेट है इस तरह से, यहाँ से आपका टाइट हो जाता है, नीचे से भी टाइट है। तो बस पूरे मैक्स में इन 2 पीस को छोड़ के हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, ना जीन्स लगा ना कुछ और, ऐसा लग रहा था जैसे पुराने कपड़े लगा रखे हों। बस ये 2 ही कुछ ठीक ठाक लगे हमें, तो ये हम लोगों ने ले लिए। इनको भी ये है कि नीचे आप मतलब उस तरह से पहना सकते हो, अभी इतनी ठंड तो नहीं रही है, लेकिन जैसे गर्म इनर और एक पतली सी जो स्वेट क्या होती है टी शर्ट होती है वो पहना करके आप, और आप इनको पहना दो तो इनफ है बच्चे के लिए। तो बस अभी इनसे ही काम चलाने वाली हूँ, अभी देखती हूँ और परचेज करूँ या नहीं करूँ। आज पर की अलमारी लगानी है, तो वो अलमारी लगा के फिर देखती हूँ कि क्या आना है, बाकी है क्या नहीं आएगा, क्योंकि अभी यार मार्च तक तो ये पहने जाएंगे, फिर अप्रैल से तो वही गर्मियों के कपड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं और ज़्यादा मतलब पैसे नहीं डालना चाहती हूँ अभी के लिए, क्योंकि अभी के लिए हो गए हैं परी के
5 दिन जाना है तो बच्चा चेंज करके भी जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि हर बार बच्चा नए कपड़े ही पहने। तो वैसे भी ओवर करना कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, चाहे किसी के भी हो, चाहे मेरा खुद का हो या परी का हो। ना, जब मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस में भी मेरे मतलब इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे। जैसे 5 डेज होता था, तो 5 डेज में भी, फ्राइडे तो क्या होता था, आपको जीन्स डालनी होती थी, जीन्स टी शर्ट, तो उसमें भी मेरे पास 4 या 5 टी शर्ट होती थी, क्योंकि 4 या 5 फ्राइडे ही पड़ते हैं। ठीक है, तो आप हर फ्राइडे को एक पहन के जा रहे हो, तो आपने मान लो 4 फ्राइडे पड़े, 4 आपके पास टी शर्ट हैं, तो जो पहले वाले का नंबर आएगा तो वो आपके पूरे महीने के बाद आएगा ना एक का। तो ऐसा ही होता था मेरे पास, तब भी 4 या 5 टी शर्ट्स होती थी, ऑफिस के लिए मैं अलग से रखती थी, तो वो 4 या 5 टी शर्ट्स होती थी। फिर ऐसे ही सूट होते थे, सूट में ये लगा लो मेरे कुर्ते होते थे, उनमें मेरे पास वैरायटी होती थी, उसमें मैं मतलब 1 हफ्ते के 4 अलग और 4 दूसरे हफ्ते के 8, बस 8 या मैक्सिमम 10, बस इससे ज़्यादा मेरे पास कभी नहीं रहे। क्योंकि 4 दिन आपने मंडे टू थर्सडे आपने पहन लिए, फिर अगले मंडे टू थर्सडे दूसरे पहने, तो 15 दिन इसमें चले गए। जो आपको पहले वाले का नंबर आएगा वो कितने दिन बाद आएगा, पूरे 15 दिन बाद उसका दोबारा से नंबर आएगा। तो इसलिए होता है, तो इसलिए मुझे कभी भी ओवर करना कभी अच्छा नहीं लगा। लेगिंग्स तो मैं बताऊँ, मुझे याद ही नहीं है मैंने कब खरीदी थी लेगिंग्स। मेरे पास बहुत पुरानी लेगिंग्स पड़ी हुई है, क्योंकि ऑफिस में वही होती थी, कुछ बेसिक कलर होते थे मेरे पास, मैं उन्हीं को टीम अप कर लेती थी। तो अननेसेसरी इन चीज़ों पे खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और विनोद को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसी तरह से मैंने मतलब नीरव का ही बनाया हुआ है कि हफ्ते में उसको 4 या 5 दिन अगर कहीं जाना है तो उसके हिसाब से रखूँ। 2 या 3 होते हैं पार्टी वेयर होते हैं, अदरवाइज फिर रख रखे यार छोटे जाते हैं, और फिर आप किसी को उनको देते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि यार इतने महंगा तो हमने लिया था, आप उनको वापस भी दे दें। तो इस तरह से होता है, इसी तरह से मैं परी का रखूंगी। मैं बिल्कुल भी उन मम्मियों में से नहीं हूँ जो बिल्कुल अलमारी को ठोक के रखते हैं, बिल्कुल भर के रखते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि बच्चे के पास क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो मेरा वो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। शूज़ वगैरह होते हैं, जैसे बैली है परी के पास, 2 बैलीज हैं बस, 2 से ज़्यादा उसके पास कोई बैलीज नहीं है। शूज़ है 2, वो रेगुलर घर में पहनते हैं 2 पेयर, एक पेयर उसका कहीं आने जाने का रखा हुआ है। और क्रॉक्स हैं जिसको वो घर पर ही पहन लेते, कभी बाहर मन किया तो बाहर भी पहन लिया। तो इस तरह से रखती हूँ, मेरे पास उसके कभी भी वो चीज़ें भी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। सेम नीरव का एक पेयर है जो बाहर उसके लिए होता है पहनने के लिए, पार्टी वेयर है, बाकी घर पे खेलने के लिए 2 पेयर हैं। तो बस ऐसे होता है यार, क्यों अननेसेसरी, जब इन चीज़ों में काम चल जाता है तो वही चीज़ें हैं। तो परी का भी हमारे अकॉर्डिंग अभी हो गया है, 5 मार्च का काम चल जाएगा, अप्रैल में उसके परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि गर्मियों के हैं वो लेने पड़ेंगे अभी जो उसके पास गर्मियों के हैं। हाँ बेबी, बेबी नहीं, गुड गर्ल, कौवा, क्रीम लेके बैठी है और मांग रही है मुझसे, छुपाने पड़ेंगे भी। तो बस यही है, और मैं तो यही सजेशन दूंगी, आप भी ऐसे ही रखिए। जरूरी नहीं है कि अलमारी भरने से क्या हो जाएगा, अच्छा बाबू खुद ही नहीं पता कि बच्चे बस क्या पहनने का और क्या नहीं है। तो मैं पर अभी अलमारी लगा दूंगी, उसके डे वाइज रख देती हूँ लगा करके कि क्या है कितने हैं, तो वो भी मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि परी के पास क्या क्या है, तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, तो भी दिखा दूंगी। आई नो कि आप जानना चाहते हो कि परी के पास क्या क्या होगा, परी के अलमारी मैंने कैसे सेट किए। तो पर देखती हूँ, आज के ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में जरूर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, किसी न किसी ब्लॉग में ऐड कर दूंगी मैं। और चलो इस ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड करती हूँ, और कल के लिए रेडी होते हैं, परी का अलमारी एक बार लगा देती हूँ, कल के लिए रेडी हो जाएगी परी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रेडी कर लेती हूँ, और कल होगा परी का फर्स्ट डे स्कूल का। तो चलो मिलती हूँ कल, बाय।